मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में रविवार 5 फरवरी से शहर के वार्डों एवं गांव-गांव में विकास पताका विकास रथ के साथ विकास यात्रा की शुरुआत हुई है। इसी क्रम में पन्ना जिले की पवई विधानसभा में भी विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत पवई नगर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में कन्या पूजन एवं विभिन्न कार्यों के लोकार्पण के साथ विधायक प्रहलाद लोधी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा शहर के वार्ड एवं गांव-गांव में कराए गए विकास कार्यों को लोगों के सामने रखना, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना है और उनको हित लाभ वितरण करना व जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है उनको लाभ दिलाना है। ये यात्रा पवई एवं शाहनगर विकासखंड के 166 ग्रामों से होकर गुजरेगी एवं 25 फरवरी को इसका समापन होगा। इस यात्रा में जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको भी मालूम है, 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक प्रत्येक विधानसभा में एक विकास रथ और विकास पताका के साथ में विकास यात्रा शुरू की जानी है। उसका आज प्रथम दिवस है 5 फरवरी, जिसमें माननीय विधायक जी के द्वारा विकास यात्रा शुरू की गई है। हमने पवई के वार्ड क्रमांक 4 और 5 से शुरू करके यहाँ ग्राम पंचायत समरिया में आई है। इसमें सभी विभागों के लोग भी उपस्थित हैं। इस विकास यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि अभी तक जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायतों में हुए हैं, जिन योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिला है, उन हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करना एवं ये हमारी विकास यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर मुंबई से होकर चल रही है और ये यात्रा 25 तारीख तक चलेगी। इसमें जो हमारी सरकार ने जो कार्य कराए हैं, चाहे वो आपके पवई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी कॉलेज के लिए भी पैसे दिए हैं 6 करोड़ 20 लाख, हनुमान भाटे के लिए 1 करोड़ 85 लाख,